विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर भारत ने शिकंजा कसा है। जानकारी के अनुसार देश में नाइक के एक्स अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें उसकी सारी सोशल मीडिया अकाउंट सीमित हो जाएगी। यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा नाइक का गर्मजोशी के स्वागत करने के कुछ घंटों बाद की गई है। जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के जरिए चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किया गया। इस पर भारत ने प्रतिक्रिया दी और पूरे घटनाक्रम की निंदा की। मलेशिया में रहने वाले नाइक ने मंगलवार को पाकिस्तान की करीब एक महीने की यात्रा शुरू की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है कि उसे यानी जाकिर नाइक पाकिस्तान में सम्मानित किया गया है, वहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। हमारे लिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि एक भारतीय भगौड़े का पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत किया गया है। यह निराशाजनक है और निंदनीय है। जाकिर नाइक कथित मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के माध्यम से उग्रवाद को भड़काने के लिए वांटेड है। वह 2016 में भारत से चला गया था। मलेशिया में महाथिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के इस्लामिक उपदेशक को अपने देश से स्थायी निवास की अनुमति दी थी। जायसवाल ने कहा कि मलेशियाई सरकार के समक्ष भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। हम मलेशियाई सरकार के समक्ष प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रहे हैं। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत ने अगस्त में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि भारत को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि नाइक किस पासपोर्ट से पाकिस्तान गया था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।